हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। और आज हम आपके लिए काफ़ी अच्छी सी काफ़ी बढ़िया वीडियो लेके आए हैं। एक प्लान जो मैंने बनाया है वो मैं आपके सामने आज एक लेके आया हूँ। ये 20x40 का एक काफ़ी अच्छा प्लान है जिसमें हमने 2 बेडरूम सेट बना के बताया है आपको। 2 BHK है, आपको लिविंग रूम मिलेगा, एक किचन मिलेगा और इसमें एक आपको टॉयलेट मिलेगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि हमने कैसे बनाया है और क्या इसका डायमेंशंस रहेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, तो ये हमारे मेन गेट की एंट्रेंस रहेगी। यहाँ आप अपना मेन गेट लगा सकते हैं। ये आपका कार पार्किंग का एरिया जाएगा जिसका साइज़ हमने दिया है 10 फीट 5 इंचेस बाय 4 फीट 3 इंचेस का। यहाँ पे आपकी एक काफ़ी बड़ी कार यहाँ पे पार्क हो सकती है और 2 2-व्हीलर भी आपके यहाँ पार्क हो सकता है। आप चाहें तो यहाँ एक वरामदा टाइप भी बना सकते हैं। यहाँ से हम अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप 3 स्टेयर्स दे सकते हैं या चाहें तो आप 2 दे सकते हैं स्टेयर्स, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप स्टेयर्स दे सकते हैं, यहाँ से आप अंदर, ये आपका रहेगा मेन गेट। यहाँ से हम अंदर की तरफ आते हैं तो ये रहेगा हमारा लिविंग रूम। लिविंग रूम में काफ़ी अच्छा आप यहाँ पे एक सोफ़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर अपनी सेंटर टेबल लगा सकते हैं और यहाँ आपका TV आ जाएगा अगर आप लिविंग रूम में अपना TV लगाना चाहें तो। लिविंग रूम का आपका साइज़ रहेगा 8 फीट 9 इंचेस बाय 9 फीट 7 इंचेस का। ये लिविंग रूम आपका बिल्कुल बाहर की तरफ रहेगा। अगर आप चाहें तो इसे एक गेस्ट बेडरूम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गेस्ट रूम की तरह, जो भी गेस्ट रहे वो आपके बाहर ही रहें और अंदर से ज़्यादा कनेक्शन उनका ना रहे, तो आप इसे लिविंग रूम या फिर एक गेस्ट बेडरूम की तरह इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगर हम अंदर की तरफ चलें तो हमने यहाँ के जितने भी डोर्स दिए हैं, ये 3 फीट का डोर है, ये भी आपका 3 फीट का डोर यहाँ पर रहेगा। यहाँ से हम अंदर की तरफ चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके राइट साइड में आपको किचन मिल जाएगी। किचन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी किचन है। इसका साइज़ आ जाएगा 5 फीट बाय 7 फीट 4 इंचेस का। काफ़ी बड़ी किचन है, एल शेप में हमने इसकी स्लैब बना के दिखाई है। इसमें 2 विंडोज़ रहेंगी। अगर ये वाली साइड आपकी कोई प्लॉट नहीं है या रोड है तो इस साइड में आपकी विंडो आएगी और या तो एक विंडो आएगी आएगी, क्योंकि ये एक बाहर की तरफ से आपका ताकि आप बाहर की तरफ देख सकें और वेंटिलेशन भी पूरा यहाँ आपको मिल सके, इसलिए बाहर की तरफ हमने यहाँ विंडो दी है। यहाँ से अंदर की तरफ चलते हैं तो ये आपकी पूरा स्टेयरकेस आएगा, इधर से आप ऊपर जा सकते हैं और 3 फीट का इसका आपका साइज़ रहेगा, 3 फीट का इसका साइज़ रहेगा। और ऊपर की तरफ चलेंगे तो जो बीच का ये पूरा एरिया आपको मिलेगा स्टेयर्स का, इसका साइज़ है 12 फीट 4 इंचेस का। यहाँ आप अपना डाइनिंग टेबल या फिर कुछ भी आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको किचन को थोड़ा छोटा करके यहाँ अच्छी सी डाइनिंग टेबल यहाँ पे आपके आ सकती है। यहाँ से अंदर की तरफ चलेंगे तो यह आपका टॉयलेट आ जाएगा। टॉयलेट का साइज़ है 5 फीट 8 इंचेस बाय 4 फीट 7 इंचेस का। यह काफ़ी अच्छा टॉयलेट है जो आपका एक सिंगल टॉयलेट रहेगा आपके 2 बेडरूम सेट्स में। यहाँ से अंदर की तरफ चले तो हमारा आता है यहाँ पे पहले बेडरूम। ये हमारा बेडरूम है, फर्स्ट बेडरूम। इसका साइज़ है 9 फीट 7 इंचेस बाय 12 फीट्स का और जो सेकेंड बेडरूम है उसका साइज़ है 9 फीट 2 इंचेस बाय 12 फीट्स का। तो आप देख सकते हैं 2 बेडरूम है, काफ़ी बड़े बेडरूम है। एक आप अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं, एक आप में बच्चों के इस्तेमाल में इसको लगा सकते हैं, उनको दे सकते हैं तो वो भी यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ से काफ़ी अच्छा, अगर आप चाहें तो ये पूरा स्टेयरकेस को हटा के आप स्टेयरकेस बाहर की तरफ ले सकते हैं। अगर आपको रेंट के लिए देना है, रेंट के पर्पज़ से देना है, तो आप स्टेयर्स बाहर की तरफ दे सकते हैं और ये जो आपका पूरा एरिया आ जाएगा ये आपका लिविंग रूम आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो ऊपर का आपका फर्स्ट फ्लोर रहेगा वो ग्राउंड फ्लोर से कनेक्टेड नहीं रहेगा, वो सेपरेट हो जाएगा बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर से। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों जो रहेंगे वो पूरे सेपरेट हो जाएंगे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे YouTube चैनल को, और पास में एक बेल आइकन आपको दिख रहा होगा उसको ज़रूर से दबाएं। थैंक यू।